बिलासपुर से है, जहां पर बीमार महिला की मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मदाल कौशिक ने बीमार महिला की मौत के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि सरकार को तत्काल दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि जनता के बीच अच्छा संदेश जाए। वहीं घटना को दुखद बताते हुए कौशिक ने कहा है कि पुलिस के द्वारा इलाज के लिए जा रही महिला को जबरन रोका गया, जिससे वक्त पर उसे इलाज नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई। सरकार की छवि खराब करने के लिए छवि खराब होने पर धर्मलाल कौशिक ने चिंता जताई है। बैरियर के पास उनको रोका गया और रोकने के बाद में डॉक्टर के कागज दिखाने के बाद भी उनको वापस किया गया और वापस करने के बाद में महिला की मृत्यु हो गई। गाड़ी वाले जंगल में उतार करके छोड़ करके चला गया। शैलेंद्र पाठक, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीमार महिला की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए हैं और अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महिला की जान गई थी वहाँ। हाँ, निश्चित रूप से नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले को गंभीरता से लिया है, दुखद बताया है और जो वहाँ के तमाम जो पुलिस कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं। शैलेंद्र, आपके पास आऊंगा। नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ धर्मलाल कौशिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मलाल जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। जी जी, धन्यवाद। धर्मलाल जी, सरकार की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्यशैली पर लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर उस महिला को वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद आज वो महिला हम सबके बीच होती, उसकी जान नहीं जाती। निश्चित रूप से आप ठीक बोल रहे हैं जी, कि जिस प्रकार से वाड्रफ नगर क्षेत्र के वो महिला है और उसके पति उसको इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज ला रहे थे जी, जहाँ पर सूरजपुर के जांच चौकी में रोका गया और ये बताने के बाद में कि ये बीमार है, अस्पताल इसको ले जा रहे हैं इलाज कराने के लिए, जो प्रारंभिक इलाज उनका हुआ रघुनाथपुर में, उसको भी उन्होंने अस्पताल का कागज दिखाया और उसके बाद में पुलिस की जो ये अमानवीय कृत्य कहा जा सकता है कि किसी महिला को यदि अस्पताल ले जाना है तो उसके लिए लॉकडाउन के बहाना करके यदि उसे रोक दिया जाए, निश्चित रूप से ऐसे कार्यों के लिए पुलिस की ड्यूटी नहीं लगती, बल्कि उनकी सहायता पहुंचाई जानी चाहिए और शायद वो समय पर पहुंच जाती अस्पताल तो आज हमारे बीच में होती, उनकी जान बच गई होती। इसलिए मैंने ये कहा है कि ये मृत्यु के यदि कोई कारण है उनके, क्योंकि उनको वहां से लौटाया गया और घर पहुंचने के पहले वो दम तोड़ दी और दम तोड़ दी, इसका मुख्य वजह है कि उसको सही समय पर इलाज नहीं मिल पाना। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो जो ड्यूटी में वहां पर पुलिस कर्मी जो थे वो दोषी है जी, इसलिए उनके खिलाफ में तत्काल उनको सस्पेंड करना चाहिए जी, उनके खिलाफ में FIR होनी चाहिए ठीक, और सरकार उनके क्षतिपूर्ति के रूप में उनके परिवार को सहायता राशि दी जानी चाहिए ठीक, ताकि जनता में ये संदेश दिया जा सके जो गलत करेगा तो उसके खिलाफ में कार्रवाई तत्काल हो रही है। आपके पास धर्मलाल जी बने रहिए, जनता के बीच मैं आपके पास लौटूंगा। धर्मलाल जी आप बने रहिए। शैलेश नितिन त्रिवेदी अध्यक्ष हैं कांग्रेस संचार विभाग के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश जी स्वागत है आपका, आपको मेरी आवाज मिल रही है जी। शैलेश जी, आपकी पुलिसिंग पर सवाल क्यों खड़े ना हो, लॉकडाउन के बहाने के चलते एक महिला को जबरदस्ती रोक लिया जाता है, उसके बाद अगर उसे समय रहते अगर इलाज मिल जाता तो आज वो सही सलामत होती, आप किस प्रकार की कार्रवाई अब करेंगे? मैं कौशिक जी की बात को सुन रहा था जी, बहुत ही मानवीय प्रश्न उन्होंने उठाया है जी। देखिए, इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों, पुलिस कर्मियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टरों ने लॉकडाउन में बहुत अच्छा काम किया है, कोरोना के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ी है जी। कल ही राजनांदगांव के एक पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत हो गई कोरोना संक्रमण के कारण जी, तो इन्होंने अच्छा काम किया। यदि रघुनाथपुर की जिस घटना का उल्लेख कौशिक जी कर रहे हैं, यदि वहाँ किसी ने ऐसी अमानवीयता बरती है तो निश्चित रूप से ये गलत बात है। कौशिक जी जिम्मेदार नेता है, वरिष्ठ नेता है, गलत बात नहीं कह रहे हैं और सरकार से हम लोग सब कहेंगे इस बारे में जांच करके, अगर किसी ने कोई अमानवीयता बरती है और किसी पुलिसकर्मी की लापरवाही के कारण कोई जान गई है तो ये गलत है। उनका काम नियमों को लागू करना है, लेकिन ऐसे मामले में जहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न है, किसी के जीवन का प्रश्न है, उनको सही कार्यवाही करनी चाहिए। ऐसा कोई आदेश या कोई निर्देश है क्या शैलेश जी पुलिसकर्मियों को, अगर कोई बीमार है उसके पास कागज नहीं है, वो अगर वो अस्पताल जा रहा है तो उसे रास्ते में रोक दिया जाए?
ऐसा कोई निर्देश नहीं है और जिसने भी रोका है अगर उसने ऐसा किया है तो अपने सीमाओं के बाहर जाके कार्य किया है। और ये मैं मानता हूं कि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि किसी को उपचार से वंचित कराया जा सके। धर्मलाल जी कह रहे हैं, धर्मलाल जी शैलेश जी कह रहे हैं कि जो भी कार्यवाही, जो भी दोषी होगा उस पर कार्यवाही होगी, जो भी उचित कार्यवाही बनेगी। शैलेश जी सुलझे हुए हैं जी, सरकार का पक्ष रखते रहते हैं और इसलिए जो घटना इस प्रकार की है तो स्वाभाविक रूप से मेरा ही नहीं बल्कि जो भी इस घटना को सुनेंगे तो स्वाभाविक रूप से यही बात बोलेंगे और इसके लिए मैं शैलेश जी को धन्यवाद देता हूँ। चलिए, आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मलाल जी आपका बहुत शुक्रिया, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र बिलासपुर से लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, सरकार की ओर से भी अब कहा जा रहा है कि जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुलिसकर्मियों को अपने सीमा क्षेत्र से बाहर जाने का दायरा नहीं है, उनकी इजाजत नहीं है कि अपने दायरे से बाहर जाके वो काम करें। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस के जो वहाँ पर पदाधिकारी थे और वो जो लोग थे उनकी जो वर्किंग स्टाइल है या उनको जो समझने में शायद गलती हो गई या वो को जो जिस तरीके से एक बीमार महिला को जाने दे दिया जाना चाहिए था वो चूक जरूर हुई है। और इसमें अब जांच की मांग धर्मलाल कौशिक ने की है सरकार की तरफ से, जैसे कि पहले सुशील त्रिवेदी ने कहा कि वो मांग करेंगे और गलत है, अमानवीय है और इस तरीके से हरकत नहीं होना चाहिए। किसी की मौत का मामला जो है गंभीर मसला है, बीमारी के मौके पर किसी को जाने, अभी अभी इसमें तुरंत एक चिंतामणि महाराज जो नवनियुक्त है गृह जेल और संसदीय सचिव है उन्होंने भी मांग की है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए, घटना बहुत दुखद है। उन्होंने भी एक मांग की, सरकार के संसदीय सचिव है उन्होंने भी मांग की, अभी वो बिलासपुर पहुंचे थे तो अभी उनसे भी चर्चा हुई तो उन्होंने भी कहा कि घटना दुखद है और इस मामले में कार्रवाई होना चाहिए दोषी पुलिसकर्मियों पे। तो एक बड़ा मसला है कुल मिला के, कहीं ना कहीं पूरे मामले में जो पुलिस की कार्यशैली है वो एक सवालिया निशान है, वहां पर जो संवेदनशील कार्रवाई होती है उसका फॉलोअप देते रहेगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए, नजरा बनाए रखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के